बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश आफ्टर एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज मंडे एंड 10 अगस्त 2020। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर एजुकेशन आई हैड डिस्कस्ड विद यू सम इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क, दोज वर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा एंड कोटेशन मार्क। Dear students, today it's our second lecture of punctuation mark, and firstly I'll discuss with you colon. You can see the colon. Colon देखें, आप इसके सिंबल देखें, ये दो डॉट्स ऊपर नीचे पड़े हुए हैं, ये आपका कॉलन कहलाता है। ठीक है, जब भी ऊपर नीचे दो डॉट्स हों तो आप समझ जाएँ ये कॉलन है, इसको कॉलन बोलते हैं। ठीक है, तो कॉलन हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, थ्री पॉइंट्स आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड फॉर यू। फर्स्ट पॉइंट, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। ठीक है, हम कॉलन कहाँ पे यूज़ करते हैं कि जब हम किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम कॉलन का यूज़ करते हैं। राइट, यू कैन सी द एग्जांपल दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, माय डैड सेज़। अब देखिए, सेज़ के आगे आप देख लें, मैंने कॉलन लगाया हुआ है। ठीक है, दो डॉट्स हैं ऊपर नीचे, उसके आगे मैंने लिखा नेवर हर्ट एनीवन। ठीक है, कि ये अब कोटेशन है कि मेरे फादर ने कहा कि किसी को हर्ट नहीं कर रहे, कभी भी किसी को हर्ट मत करें। ठीक है, सेकंड जो हमारा जो यूज़ ऑफ कॉलन है वो टू इनमरेट्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, मीन्स के अशिया की फहरिस्त को मुतारफ़ करवाने के लिए हम कॉलन को यूज़ करते हैं। ठीक है, इनमरेट्स का मतलब होता है एक एक करके बताना। यू कैन सी द मीनिंग दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड फॉर यू। यू कैन सी द एग्जाम्पल आई हैव मैनी थिंग्स। अब देखिए, थिंग्स के बाद मैंने कॉलन का निशान लगाया, फिर बुक्स है, फिर कॉमा लगाया, फिर वन मोबाइल एक्सेट्रा, और भी अगर चीज़ें हो तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि ये आपकी जो अशियाँ हैं उनकी फहरिस्त को मुतारफ़ करवाने के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ, वी प्ले मैनी गेम्स। ठीक है, गेम्स के बाद आप फिर कॉलन का निशान लगाएँ। ठीक है, कॉलन डालें, फिर क्रिकेट कॉमा हॉकी कॉमा फुटबॉल एंड बैडमिंटन। ठीक है, इसमें से आप कॉलन को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, आपके पास जो कॉलन का यूज़ है, टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो। ठीक है, जब आप कॉलन जो है कहाँ पे यूज़ करते हैं, टाइम मेंशन करने के लिए। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, अक्सर आप टाइम देखते हैं वॉच पर। ठीक है, तो आपके पास जब आप लिखते भी हैं तो भी आप देखें, मैंने यहाँ पर टाइम लिखा हुआ टू डाल के। ठीक है, आगे कॉलन का निशान, दो डॉट्स हैं, फिर 15 AM। ठीक है, तो ये आप जब टाइम बताते हैं तो भी या लिखते हैं तो आप ये कॉलन का यूज़ यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और रेशियो के साथ भी आप करते हैं। ठीक है, थ्री डॉल के, ठीक है, फिर कॉलन का निशान, फिर टू। ठीक है, इस तरह से आप कॉलन का यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये कॉलन का यूज़ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है पंक्चुएशन मार्क में, अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, अपोस्ट्रॉफी जो है वो बहुत ही ईजी है, सिंपल है। डियर स्टूडेंट्स, अपोस्ट्रॉफी इज़ यूज्ड विद एस। ठीक है, कॉमा डाल के एस लगाते हैं, तो टू शो दैट अ थिंग और अ पर्सन बिलोंग्स टू समबॉडी। ठीक है, जो शो करता है मलकियत को। ठीक है, कि ये चीज़ जो है वो किस शख्स से ताल्लुक रखती है। यू कैन सी द एग्जांपल, माय ब्रदर्स नेम इज़ अली। ठीक है, अब मेरे भाई का नाम अली है। अब ये कॉमा डाल के एस डाला, तो ये आपको मैं बताती चलूँ का की के सेंस में भी आता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, ये आप जो कॉलन है कॉन्ट्रैक्शंस के साथ भी यूज़ करते हैं। ये आपकी जो फॉर्म्स होती है ना, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, आई एम जैसे आप लिखते हैं, यू आर लिखते हैं, आई हैव, आई हैड, तो इनको शॉर्ट में लिखने के लिए आप जो है ये अपोस्ट्रॉफी जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो ऐसे नाउंस जो टाइम को ज़ाहिर करें उसके साथ भी आप अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे देखिए, मिनट्स अगर आप करते हैं, आवर्स है, वीक है, मंथ है, ईयर है। ठीक है, तो इनके साथ आप अपोस्ट्रॉफी ऐसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 40 मिनट्स। ठीक है, 40 मिनट्स वॉक इज सफिशेंट। ये इसको आपको गौर से सुनना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोर्ड पर ये नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता रही हूँ खुद से कि 40 मिनट्स। ठीक है, मिनट लिख के उसके बाद कॉमा डालें, फिर आप एस लगाएं। ठीक है, 40 मिनट्स वॉक इज़ सफिशेंट, कि 40 मिनट की वॉक जो है या सैर काफ़ी है। राइट, नेक्स्ट जो है एक और एग्जांपल आपको मैं दे दूं, ही इज़ ऑन 1 डेज़ लीव। ठीक है, अब डे लगाएं, कॉमा लगाएं, फिर एस लगाएं, अपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, वो
दिन की छुट्टी पर है, राइट। डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट बताती चलूँ कि ऐसे नाउन जो वज़न और फासला जाहिर करें, ठीक है, जैसे किलोग्राम्स, वेट, ठीक है, किलोग्राम लिख के कॉमा डाल के एस डाल के फिर वेट लिखें, किलोग्राम्स वेट, ठीक है, इसके साथ भी आप जो है वो अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं जो वज़न और फासले को जाहिर करें। अब फासले के लिए आप फुट्स लेंथ, ठीक है, आप फुट फुट लिख के कॉमा डाल के एस डाल के फिर लेंथ आप लिख लेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताती चलूँ कि ये जो अपॉस्ट्रॉफी एस है ना, ये बेजान चीज़ों की मलकियत जाहिर करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि अपॉस्ट्रॉफी एस की जगह आप ऑफ लगाएंगे, ओ एफ ऑफ, ठीक है, ऑफ भी इसको बोलते हैं तो ओ एफ लगाएंगे आप। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि द चेयर्स लेग, तो ये गलत होगा, ठीक है, चेयर्स लेग नहीं होता, द लेग ऑफ चेयर होता है, ठीक है, इसके साथ आप अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो दैट विल बी टोटली रॉन्ग। तो इस चीज़ को माइंड में रखें कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप जो हैं वो अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको सम एग्जांपल्स और दे देती हूँ, द बुक्स कवर, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है, बुक्स कवर नहीं होगा, द कवर ऑफ बुक, दैट विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, द हाउस रूफ, ठीक है, हाउस रूफ नहीं होगा, द रूफ ऑफ द हाउस होगा, राइट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, दैट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। तो नेक्स्ट आपके पास जो हमारे पास लास्ट मैंने आपके लिए लिखा हुआ है सेमी कॉलम। अब सेमी कॉलम कहाँ पर यूज़ होते हैं डियर स्टूडेंट्स, सेमी कॉलम्स आर समटाइम यूज इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप टू सेपरेट शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है, कि बाज़ अवकात सेमी कॉलम छोटे जुमले को अलहदा करने के लिए फुल स्टॉप की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, राइट। जैसे यू कैन सी द एग्जाम्पल दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है, सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग के बाद आपने एक ऊपर डॉट है, नीचे कॉमा है, इसको सेमी कॉलन कहते हैं, इसका साइन आप याद रखें, ठीक है, ऊपर डॉट नीचे कॉमा, तो ये इसका सेमी कॉलन का साइन है, ठीक है। तो आप लगाएंगे सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग के बाद सेमी कॉलन, अदर्स डू बेटर इन द इवनिंग, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूँ, द सन वॉज ऑलरेडी लो इन द स्काई, ठीक है, इसके बाद हम सेमी कॉलन लगाइए, इट वुड सून बी डार, ठीक है, कि ये आपके जो छोटे जुमले हैं उनको इलादा करने के लिए फुल स्टॉप हम नहीं लगाते, उसकी जगह हम सेमी कॉलन लगाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। आई होप कि आज का आपको जो पंक्चुएशन मार्क के जो कुछ पंक्चुएशन मार्क्स मैंने आपसे डिस्कस किए आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह ब्लेस यू।